गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाई लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन पेपर्स। लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? पहले रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम साइज में छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, तो इसका मतलब साइज का कंसेप्ट तो यहां चलेगा नहीं। जनरली बच्चे इसको साइज से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, साइज से एक्सप्लेन नहीं होगा। तो पहले तो हमें यह समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम। इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। इट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी शुड बी पॉजिटिव, एनर्जी शुड बी पॉजिटिव। पर वो कहते हैं कि लिथियम गैस होना चाहिए, पर लिथियम तो नेचर में कैसे मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो पहले सॉलिड को गैस बनाना पड़ेगा। तो कौन सी एनर्जी चाहिए? सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। Sublimation energy is that amount of energy which is required to convert one mole of a solid into one mole of a gas. तो ये भी energy required है। तो पहले हमने lithium को solid से gas बनाया, sublimation energy चाहिए positive। अब वो gas बन गया, उसमें से electron निकाल लिया, अब उसकी hydration energy होगी। Hydration energy क्या होती है? हमने वन मोल ऑफ लिथियम को हाइड्रोलाइज कर दिया। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयन्स आर हाइड्रोलाइज्ड। तो लिथियम के वन मोल को हाइड्रोलाइज कर दिया, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज इज नेगेटिव। अब ये तीन स्टेप्स हो रहे हैं, इन तीनों की एनर्जी को ऐड किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। ये पॉजिटिव थी तो ये भी पॉजिटिव थी, बट ये नेगेटिव था। तो अगर आप सारी एनर्जीज को ऐड करोगे, ऐसा लगता है कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, बट नहीं, आंसर नेगेटिव आता है। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत हाई है। वो क्यों हाई है वो भी हम पढ़ेंगे, बट वो बहुत हाई है। हाई होने के कारण डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच अगर हाईली नेगेटिव है तो डेल्टा जी के नेगेटिव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है और लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो पहले समझिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? इट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। पर आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन कहती है
It is the amount of energy required to release the most closely bound electron from the isolated gaseous state atom. तो हमें पहले वो गैस में चाहिए, गैस में चाहिए तो पहले सॉलिड को गैस बनाएंगे, सॉलिड को अगर गैस बनाएंगे तो कौन सी एनर्जी चाहिए? दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी. इट इज रिक्वायर्ड सो इट इज पॉजिटिव. आयनाइज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इट इज पॉजिटिव. अब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी. बट जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है. जब हम सारी एनर्जी को ऐड करते हैं तो आंसर नेगेटिव आ जाता है. अगर आंसर नेगेटिव को डेल्टा जी में पुट करते हैं तो डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाता है. इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड लिथियम बिकम द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. उम्मीद करते हैं आपने सारा नोट कर लिया होगा. आपको ये तो समझ आ ही गया होगा व्हाई लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द हाइड्रेशन एनर्जी, राइट? व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी एंड ऑन व्हाट फैक्टर द हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स. आइए इसको समझते हैं. हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है और किन चीजों पे ये डिपेंड करती है? बेटा हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयन्स आर हाइड्रोलाइज्ड, व्हेन वन मोल ऑफ आयन्स आर हाइड्रोलाइज्ड. हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन चार्ज एंड इनवर्सली डिपेंड अपॉन साइज. हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करती है और साइज पे इनवर्सली करती है. जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी और जिसका साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी. तो लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पोटेशियम तो रेडियम करें. अगर आप ध्यान से देखें सब पे चार्ज प्लस वन है तो चार्ज बराबर है, बट ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो साइज बढ़ता है. साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी. तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है? लिथियम. साइज सबसे छोटा है इन इट्स फैमिली, तो इसलिए लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाई लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम